दोस्तों नमस्ते प्रणाम। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों चलिए हम आपको एक और ज्ञानवर्धक कहानी सुनाते हैं। कहानी का शीर्षक है सच्चे मित्र। इससे पहले कि हम आपको कहानी सुनाएं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी सच्चे मित्र। बहुत समय पहले की बात है, एक सुंदर हरे भरे वन में चार मित्र रहते थे। उनमें से एक था चूहा, दूसरा कौवा, तीसरा हिरण और चौथा कछुआ। अलग अलग जाति के होने के बावजूद उनमें बहुत घनिष्ठता थी। चारों ओर एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। चारों घुल मिलकर रहते, खूब बातें करते और खेलते। वन में एक निर्मल जल का सरोवर था जिसमें वह कछुआ रहता था। सरोवर के तट के पास ही एक जामुन का बड़ा पेड़ था, उस पर बने अपने घोंसले में कौवा रहता था। पेड़ के नीचे जमीन में बिल बनाकर चूहा रहता था और निकट ही घनी झाड़ियों में हिरन का बसेरा था। दिन को कछुआ तट के रेत में धूप सेंकता रहता, पानी में डुबकियां लगाता। बाकी तीन मित्र भोजन की तलाश में निकल पड़ते और दूर तक घूमकर सूर्यास्त के समय लौट आते। चारों मित्र इकट्ठे होते, एक दूसरे के गले लगते, खेलते और थमा चौकड़ी मचाते। एक दिन शाम को चूहा और कौवा तो लौट आए, परंतु हिरण नहीं लौटा। तीनों मित्र बैठकर उसकी राह देखने लगे। उनका मन खेलने को भी नहीं हुआ। कछुआ भर्राए गले से बोला, वह तो रोज तुम दोनों से भी पहले लौट आता था। आज पता नहीं क्या बात हो गई जो अब तक नहीं आया। मेरा तो दिल डूबा जा रहा है। चूहे ने चिंतित स्वर में कहा, हाँ बात बहुत गंभीर है, जरूर वह किसी मुसीबत में पड़ गया है। अब हम क्या करें? कौवे ने ऊपर देखते हुए अपनी चोंच खोली। मित्र, वह जिधर चरने प्रायः जाता है उधर मैं उड़कर देख आता, पर अंधेरा घिरने लगा है, नीचे कुछ नजर नहीं आएगा। हमें सुबह तक प्रतीक्षा करनी होगी। सुबह होते ही मैं उड़कर जाऊंगा और उसकी कुछ खबर लाकर आप लोगों को दूंगा। कछुए ने सिर हिलाया। अपने मित्र की कुशलता जाने बिना रात को नींद कैसे आएगी, दिल को चैन कैसे पड़ेगा। मैं तो उस ओर अभी चल पड़ता हूँ, मेरी चाल भी बहुत धीमी है। मैं तुम दोनों सुबह आना। चूहा बोला, मुझसे भी हाथ पर हाथ धर कर नहीं बैठा जाएगा, मैं भी कछुए भाई के साथ चल सकता हूँ। कौवे भाई, तुम पोफटते ही चल पड़ना। कछुआ और चूहा तो चल दिए। कौवे ने रात आँखों में काटी। जैसे ही पौ फटी, कौवा उड़ चला। उड़ते उड़ते चारों ओर नजर डालता जा रहा था। आगे एक स्थान पर कछुआ और चूहा जाते उसे नजर आए। कौवे ने कां कां करके उन्हें सूचना दी कि उन्हें देख लिया है और वह खोज में आगे जा रहा है। अब कौवे ने हिरण को पुकारना भी शुरू किया, मित्र हिरण, तुम कहाँ हो, आवाज दो मित्र। तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। स्वर उसके मित्र हिरण का सा था। उस आवाज की दिशा में उड़कर वह सीधा उस जगह पहुंचा जहां हिरण एक शिकारी के जाल में फंसा छटपटा रहा था। हिरण ने रोते हुए बताया कि कैसे एक निर्दयी शिकारी ने वहां जाल बिछा रखा था। दुर्भाग्यवश वह जाल न देख पाया और फंस गया। हिरण, सुबह का शिकारी आता ही होगा, वह मुझे पकड़ कर ले जाएगा और मेरी कहानी खत्म समझो। मित्र कौवे, तुम्हें चूहे और कछुओं को भी मेरा अंतिम नमस्कार कहना। कौवा बोला, मित्र हम जान की बाजी लगाकर भी तुम्हें छुड़ा लेंगे। हिरण ने निराशा व्यक्त की, लेकिन तुम ऐसा कैसे कर पाओगे? कौवे ने पंख फड़फड़ाए, सुनो मैं अपने मित्र चूहे को पीठ पर बैठाकर ले आता हूँ, वह अपने पहने दांतों से जाल उतर देगा। हिरण को आशा की किरण दिखाई दी, उसकी आंखें चमक उठी।
तो मित्र चूहे भाई को शीघ्र ले आओ। कौवा उड़ा और तेजी से वहां पहुंचा जहां कछुआ और चूहा आ पहुंचे। कौवे ने समय नष्ट किए बिना बताया, मित्रों हमारा मित्र हिरण एक दुष्ट शिकारी के जाल में कैद है। जान की बाजी लगी है, शिकारी के आने से पहले हमने उसे न छुड़ाया तो वह मारा जाएगा, कछुआ हकलाया। उसके लिए हमें क्या करना होगा जल्दी बताओ। चूहे ने तेज दिमाग ने कौवे का इशारा समझ लिया था। घबराओ मत कौवे भाई, मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर हिरण के पास ले चलो। चूहे को जल उतर कर हिरण को मुक्त करने में अधिक देर नहीं लगी। मुक्त होते ही हिरण ने अपने मित्रों को गले लगा लिया और रुंधे गले से उन्हें धन्यवाद दिया। तभी कछुआ भी वहां आ पहुंचा और खुशी के आलम में शामिल हो गया। हिरण बोला, मित्र आप भी आ गए, मैं भाग्यशाली हूँ जिसे ऐसे सच्चे मित्र मिले हैं। चारों मित्र भाव विभोर होकर खुशी में नाचने लगे। एकाएक हिरण चौंका और उसने मित्रों को चेतावनी दी, भाइयों देखो वह जालिम शिकारी आ रहा है, तुरंत छिप जाओ। चूहा फौरन पास के एक बिल में घुस गया। कौवा उड़कर पेड़ की ऊंची डाल पर जा बैठा। हिरण एक ही छलांग में पास की झाड़ी में जा घुसा और ओझल हो गया। परंतु मंद गति का कछुआ दो कदम भी न जा पाया था कि शिकारी आ धमका। उसने जाल को कटा देखकर अपना माथा पीटा, क्या फंसा था और किसने काटा यह जानने के लिए वह अपने पैरों के निशान के सुराग ढूंढने के लिए इधर उधर देख ही रहा था कि उसकी नजर रेंग कर जाते हुए कछुए पर पड़ी। उसकी आंखें चमक उठी, वाह भागते चोर की लंगोटी ही सही, अब यही कछुआ मेरे परिवार के आज के भोजन के काम आएगा। बस उसने कछुए को उठाकर अपने थैले में डाला और जाल समेट कर चलने लगा। कौवे ने तुरंत हिरण व चूहे को बुलाकर कहा, मित्रों हमारे मित्र कछुए को शिकारी थैले में डालकर ले जा रहा है। चूहा बोला, हमें अपने मित्र को छुड़ाना चाहिए, लेकिन कैसे? इस बार हिरण ने समस्या का हल सुझाया, मित्रों हमें चाल चलनी होगी, मैं लंगड़ाता हुआ शिकारी के आगे से निकलूंगा, मुझे लंगड़ा जानकर वह मुझे पकड़ने के लिए कछुए वाला थैला छोड़ मेरे पीछे दौड़ेगा, मैं उसे दूर ले जाकर चकमा दूंगा। इस बीच चूहा भाई अपने थैले को कुतर कर कछुए को आजाद कर देंगे। बस योजना अच्छी थी, लंगड़ा कर चलते हिरण को देख शिकारी की बाछें खिल उठी, वह थैला पटक कर हिरण के पीछे भागा। हिरण उसे लंगड़ाने का नाटक कर घने वन की ओर ले गया और फिर चौकड़ी भरता वह जा हो गया। शिकारी दांत पीसता रह गया। अब कछुए से ही काम चलाने का इरादा बनाकर लौटा तो उसे थैला खाली मिला, उसमें छेद बना हुआ था। शिकारी मुंह लटकाकर खाली हाथ घर लौटाया। दोस्तों इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चे मित्र हो तो जीवन में मुसीबतों का आसानी से सामना किया जा सकता है, इसलिए हमें जब भी मित्र बनाना है सोच समझ कर और सच्चे मित्र बनाना है। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर अवश्य करें। मिलते हैं कल एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।